यूं तो कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर को अपनी चपेट में ले चुका है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में नेताओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों के आए दिन भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नरसिंहपुर जिले के गाडरवाला नगर पालिका का है, जहां बीते कुछ दिनों पहले लोक निर्माण विभाग ने नगर की सीमाओं की सड़कें नगर पालिका गाडरवाला को सुपर्द कर दी थी, जिस पर नगर पालिका गाडरवाला के अधिकारियों द्वारा अपनी मनमानी से गलत तरीके से सड़क की जगह पर अवैध कार्य निर्माण करवा रहा है, जिसको लेकर खुलासा आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में हुआ। वहीं एसडीएम सहित अन्य अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। गाडरवारा नगर पालिका क्षेत्र में स्टेशन पे जो शौचालय बना है वो बिल्कुल रोड पे बना होगा, तो क्या ये जायज है? इसको बनना था रोड में? रोड पर तो नहीं बनना था, क्योंकि नगर पालिका से उसका टेंडर हुआ था और उसकी शायद एनओसी भी नहीं थी और ठेकेदार ने काम लगा दिया और वो आज क्षतिग्रस्त डला हुआ है। पूर्व में मैंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से बोला था कि ऐसी जगह नाली पर ना बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पर मॉडल रोड की अतिक्रमण भी हटेगा तो ये बात में टूटेगा, शासन के पैसे की नुकसान होगा और लोगों के उपयोग में भी नहीं आ रहा। क्या शासन के पास जगह कम पड़ गई थी जो वहाँ बनाया गया नगर पालिका क्षेत्र में? चूँकि पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष महोदय और मुख्य नगर पालिका अधिकारी CMO और इंजीनियर, ये तीनों लोग नगर पालिका का संचालन कर रहे थे, हम लोग समय समय पर अपनी बात उठाते थे, उसको तवज्जो नहीं दी जाती थी। क्या उसके उद्घाटन में CMO को जानकारी नहीं थी, उनको भी नहीं बुलाया गया है सब लोग बता रहे हैं? ये बात तो खुद CMO ने आपके समक्ष बोली है कि मुझे भी कुछ इसके लोकार्पण के कार्यक्रम में सूचना नहीं थी। रेलवे स्टेशन के मूत्रालय के बारे में जी, ये तत्कालीन अध्यक्ष महोदय इनके आदेशानुसार ये बनाया गया है जी, और जिसमें ठेकेदार कोई साहित कंस्ट्रक्शन वाले थे जी, इन्हें दिया गया है। NOC के बारे में आपको हमारे विभाग के इंजीनियर स्टाफ आपको ये डिटेल बता सकते हैं। सड़क पे बनी है, अवैध जगह पे बनी है, मतलब शासकीय भूमि पे नहीं है, तो इसको टूटना तो स्वाभाविक है, ये तो नियम के विरुद्ध जा रहा है। इसकी NOC है या नहीं है हमारे संबंधित विभाग के, हमने पूर्व बताया कि संबंधित विभाग के इंजीनियर इसमें बताएंगे आपको, और जो बात लीगल है तरीके से है वही होना चाहिए। इसके ऊपर तत्कालीन का जो भी इसके करता धरता है, मतलब इंजीनियर हो हमारे PWD शाखा या संबंधित ठेकेदार, इनके कार्रवाई होगी। शौचालय सड़क के बाजू में बनाया गया है और अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार जन सुविधा को देखते हुए इसका शौचालय का निर्माण किया गया। सड़क का निर्माण कंप्लीट हो चुका है और सड़क पे निर्माण नहीं किया है। शौचालय में NOC दी गई है नगर पालिका द्वारा उस जगह की? शौचालय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार नगर पालिका क्षेत्र में बना गया है और जन सुविधा के अनुसार NOC की आवश्यकता नहीं, नगर पालिका क्षेत्र में बनाया गया। तो नगर पालिका NOC नहीं देगी उसकी? तो इसमें नहीं दी गई NOC? नहीं, NOC स्वीकृति है, सबकी अध्यक्ष की है, CMO की है, इंजीनियर की स्वीकृति खुद दी है, रोड के बाद में बनाया गया। क्या वो सही लगा है? वो क्या है, लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस के सामने उसकी बाउंड्री वाल से बाहर बना हुआ है, और जो भविष्य में कभी रोडों का चौड़ीकरण होगा तो उसमें वो यातायात को बाधित करेगा, उसके अलावा इसको हटा के इसको यदि चिचली रोड साइड करते हैं तो वो दोनों जगह से चिचली रोड को भी कवर करता और यहाँ को यहाँ से भी कवर होता, विकास सड़कों पर ही है, लेकिन विकास जो है सुनियोजित तरीके से होना चाहिए। इसमें जांच होनी चाहिए, नगर पालिका को उसमें वरिष्ठ अधिकारियों की जांच करानी चाहिए कि ये गलत जगह बना है, जिस अधिकारी ने स्पॉट इंस्पेक्शन रिपोर्ट दी बनाने के लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, और इसमें जो भी वित्तीय अपराध हुआ है उसके खिलाफ भी जाँच होनी चाहिए, और इसमें जो भी वित्तीय नुकसान जो होगा तोड़फोड़ होगी भविष्य में उसकी भरपाई भी दोषियों से करानी चाहिए। क्या नाम? शुभम कौरव। खबर मध्य प्रदेश के लिए गाडरवारा से पवन कौरव की रिपोर्ट।